एनएचएम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर मंगलवार यानी आज से दो दिवसीय हड़ताल पर हैं। वहीं झज्जर जिला के करीब 300 कर्मचारी दिन भर नागरिक अस्पताल के प्रांगण में धरने पर रहे। धरने की अध्यक्षता एनएचएम यूनियन के जिला प्रधान शमशेर सिंह ने की। शमशेर सिंह ने बताया कि वे लंबे समय से सरकार से सेवा सुरक्षा नियम की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उनके साथियों को सरकार नियमित करे और दूसरे विभागों की तरह अन्य सुविधाएं भी प्रदान करे। साथ ही उन्होंने कहा कि वे मानते हैं कि उनकी हड़ताल से आम लोगों को परेशानी हो रही होगी और इसके लिए वे जनता से माफी मांगते हैं। मुख्य मांग है नियमितीकरण, सेवा सुरक्षा नियम चाहिए एनएचएम कर्मचारियों को, जो कि अभी तक सरकार ने डीएम पिछले काफी टाइम से सरकार के सामने कई बार मांग पत्र दे चुके हैं, उन्होंने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की, तो हमने मजबूर होकर आम जनता को इसके लिए माफी मांगते हैं। लेकिन हमें अपने अधिकारी के लिए हमें मजबूर जाना पड़ा है इस चीज़ के लिए। मुख्य हमारे नियमितीकरण है, हमारे कुछ संशोधन हैं वो हैं और स्थायी सेवा नियम लागू है हमारे, इससे स्वास्थ्य सेवा में बाधित हो रही है। तो उसमें देखिए, हमने सरकार को पहले कई बार चेत कराया इस चीज़ के बारे में, अपने मांग पत्र दिए हैं, लेकिन सरकार ने उन पर कभी सुनवाई नहीं की। इस बात से हम जनता को परेशान करके खुश नहीं है, लेकिन हम अपने अधिकार के लिए सरकार के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। कितने कर्मचारी बैठे हैं धरने पर? आज करीब 350 स्ट्रेंथ है हमारे। पूरे हरियाणा में चल रहा है या? पूरे हरियाणा में चला हुआ, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट ले सकते हैं। कब से कब तक चलेगा? अभी ये दो दिन की है, 5 और 6 फरवरी की, उसके बाद आगे बढ़ती है, फिर जो जैसा भी होगा आपको बता दिया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही, इसलिए मजबूरन उन्हें विरोध का रास्ता अपनाना पड़ा। साथ ही उन्होंने मांगे जल्द पूरी न होने पर सरकार को अपनी लड़ाई और तेज करने की चेतावनी दी। हिंद एक्सप्रेस के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।